हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे बच्चों एग्जांपल 1.3 का सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए क्या कहता है। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। ओके, कहता है कि आपके पास वन कप है एंड वन कप वाटर है, इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कितने हैं हमें ये फाइंड करना है। क्लियर है बच्चों? बहुत ईजी है, आप बहुत ही ध्यान समझिएगा इस क्वेश्चन को तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आप इसको कैसे हल कर सकते थे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए हम क्या राइट करेंगे। सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि आपके पास जो वाटर है, ठीक है, या हम ये बात कह सकते हैं कि जो वन कप वाटर है उसमें जो कहना चाहिए कि उस वाटर का अगर मास की बात करें, है ना, द्रव्यमान की बात करें, तो वो 250 ग्राम्स है। ठीक है, तो उसके सॉल्यूशन में हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं कि द मास, ठीक है, द मास ऑफ वन कप ऑफ वाटर इज इक्वल टू 250 ग्राम। ओके, अब देखिए अगर हमने कहा कि द मास ऑफ, या हम कहते हैं कि द मास ऑफ वन कप ऑफ वाटर इज इक्वल टू 250 ग्राम्स, तो कह सकते हैं कि जो इसका मॉलिक्यूलर मास होगा, ठीक है, तो हम इसके अगर मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो यहां लिख देते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, जिसको हम वाटर को क्या बोलते हैं, H2O, वाटर इज इक्वल टू कितना होगा मॉलिक्यूलर मास, ये आपने केमिस्ट्री में सीख चुका है, क्लास 11th में या 12th में केमिस्ट्री में है कि किस प्रकार से हम किसी भी एटम का, या किसी भी अगर मान के चलिए आपके पास एटम्स गिवन है, है ना, तो उनका आप मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास को अगर देखिए H2 है तो मैं कह सकता हूँ कि ये 2 हो गया, हाइड्रोजन का परमाणु जो आपका क्या होता है, जो एटॉमिक जो मास होता है 1 होता है, एंड प्लस क्या हो गया आपके पास कि वो ऑक्सीजन 1 है, लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ किसका, जो देखो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमारे पास कितने दिए गए हैं, 1 की बात कर लेते हैं, और ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा प्लस इंटू 1, दिस इक्वल टू ये हो जाएगा 18 ग्राम। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर देखेंगे आप 18 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1 मोल ऑफ फाइंड करेंगे, 1 मोल जिसमें एवोगैड्रो नंबर सब राइट करेंगे 6.02 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर दिस इक्वल टू ये होगा 18 ग्राम। इसलिए 1 मोल जो आपके पास 1 मोल है, 1 मोल ऑफ वाटर है, इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो कितना होगा, 18 ग्राम होगा। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर इन 1 कप ऑफ वाटर इज इक्वल टू, अब क्या बोलेंगे कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर इन 1 कप ऑफ वाटर इज इक्वल टू ये होगा बेटा 250/18 इंटू एवोगैड्रो नंबर्स कितना है, तो 6.02 इंटू 10^23। ओके, सो आई राइट नाउ, अब क्या होगा कि अगर आप बात कर रहे हैं कि 1 कप अगर वाटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, 1 कप वाटर है ना, तो 1 कप वाटर में अगर आप देखेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा, सो मैग्नीट्यूड ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन है ना, सो मैग्नीट्यूड ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन एंड 10 प्रोटॉन दिस इक्वल टू कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा 250/18 इंटू 6.02 इंटू 10^23 इंटू ये 10 होगा, ठीक है, इंटू 1.6 इंटू 10^-19 कूलम। ठीक है,
जब आप इसको राइट करेंगे या सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, दिस इक्वल टू कितना होने वाला है, सॉल्व करेंगे आप टोटल सॉल्व करके देखिएगा इसको, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1.34 इंटू 10^7 और ये होगा कूलॉम, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अब यह कह सकते हैं पॉजिटिव एंड जो नेगेटिव चार्ज होगा आपके पास, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज अगर फाइंड करेंगे तो 1.34 इंटू 10^7 कूलॉम होगा, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर हमसे क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को इनेबल कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट को करना ही करना है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।